नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, वो भी एक ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर ही अभी सीरीज चल रही है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर कितने बजट रेंज में, मतलब बजट रेंज में कितनी अच्छी क्वालिटी देता है और वाटरप्रूफ भी हम देख रहे हैं इसके अंदर। तो आज हमने एक और स्पीकर मंगाया, वो है बोट की तरफ से, अमेजोन से मैंने मंगाया है ये स्पीकर। और इस पर भी थोड़ा सा ऑफर चल रहा था, इसके वजह से मैंने मंगाया। ये लगभग मुझे पड़ा है 1200 रुपये का पड़ा है ये मुझे लगभग। और तो MRP को हम छोड़ देते हैं। वैसे ही जो प्रोडक्ट, ये जो स्पीकर है वो शायद 1700 या 1800 रुपये में कभी कभी सेल होता है, लेकिन इस पर कुछ ऑफर था तो मैंने 1200 रुपये का मंगा लिया। और इससे पहले मैंने एक फोट्रॉन करके पी वॉश करके एक स्पीकर था, वो भी मंगाया था और वो भी काफ़ी अच्छा स्पीकर था। इसके बाद मैं दोनों की कंपैरिजन वीडियो भी लाऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं हम, ये कैसा स्पीकर है और इसकी अनबॉक्सिंग हम करके देख लेते हैं कि हमें ये कैसा मिलता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ये बोट की तरफ से इसका यूज़र मैनुअल है, हम साइड में रख देंगे। ये बोट का वारंटी कार्ड है, इसमें हार्दिक पांड्या। और ये है हमारा स्पीकर, इसको मैं साइड में रखता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद है हमारी एक USB केबल, डाटा केबल, यानी कि जो भी है चार्जिंग केबल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद है 3.5 mm का जैक, यानी कि ऑक्स केबल है ये। और बॉक्स काफ़ी अच्छा है, थोड़ा ठीक ठाक लगता है, प्रीमियम सी क्वालिटी का लगता है। और चलो इन चीज़ों को बाद में देखते हैं। हमारे पास जो हमारी मेन यूनिट है वो आ चुकी है और ये है एक पोर्टेबल स्पीकर जो कि आता है बोट कंपनी का और ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है। तो ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा पावर का बटन, माइनस का बटन, यानी वॉल्यूम का बटन, और ये प्ले पॉज का, और ये कॉल रिसीव करने का भी शायद यही है, आप देख सकते हो उसके ऊपर। और ये है आवाज़ बढ़ाने का बटन। तो ये रैप, ये प्लास्टिक की जो रबर की जो ये रैप है, ये काफ़ी अच्छी लगती है, इसकी जो पकड़ने की पकड़ सकते हो आप इसको। और ये वाटरप्रूफ स्पीकर है, 1500 mAh की बैटरी है इसके अंदर, लिथियम बैटरी है, और जिसका बैकअप टाइम है मेरे हिसाब से शायद चल जाएगा, ये 8 से 10 घंटे तक चली जाएगा इतना मुझे लगता है। और बाकी अगर मैं इसकी बात करना चाहता था कि स्पीकर कितने वॉट के हैं, तो इसके अंदर हमें पता तो नहीं लग रहा, चलो मैं दिखा दूँगी, ठीक है। अगर हम अब इसकी बात कर लेते तो इसमें हमें यहाँ पर मिल जाता है ऑक्स इन और चार्जर का ऑप्शन। यहाँ से ऑप्शन जब करेंगे तो आपको ऑक्स का ऑप्शन और यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्पीकर है देखने में, और मैंने अभी टेस्ट नहीं किया आवाज़ इसकी, क्योंकि अभी आपके सामने ही अनबॉक्स किया। इसकी आवाज़ मैं बताता हूँ आपको इसी वीडियो में कि कैसी लगती है। और इसकी जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी स्टडी है, वाटरप्रूफ है, अगर ये गिर जाएगा तो शायद ख़राब भी नहीं होगा। और देखो आपको एक खास बात बताऊँ, इसमें बोल्ट दिए गए हैं जो कि अलग चाबी से खुलते हैं, नॉर्मल चाबी से नहीं खुल सकती है, स्क्रू ड्राइवर से जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक माउंट के ऑप्शन है, अगर आप इसको माउंट करना चाहते हो किसी चीज़ पे तो ये माउंट भी हो जाएगा, और वाटरप्रूफ तो है। और ओके, तो हम इस स्पीकर की बात करें थे, अगर स्पीकर की बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाता है 3 watt का आपको स्पीकर मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 watt का स्पीकर मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट है, शॉक प्रूफ है, और 10 घंटे तक इसकी बैटरी बैकअप इसीलिए है क्योंकि इसका जो स्पीकर है वो पावर कम लेता है, यानी कि 3 watt का। लेकिन जब हम P10 वॉश की बात कर रहे थे, जो इससे पहले मैंने, आप वीडियो में देख सकते हैं लिंक ऊपर आ रहा होगा, इससे पहले जो मैंने स्पीकर था एक P10 वॉश करके उसकी अनबॉक्सिंग करी थी, वो भी सेम साइज़ का था, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो इससे काफ़ी बेटर थी, उसमें बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और उसकी बैटरी 2000 mAh की थी। इसमें कहीं शो तो नहीं करा रखा मुझे 2000 mAh की या कितने की है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि 10 आवर का बैटरी बैकअप देता है। तो एक बार ना हम इसका करेंगे साउंड टेस्ट, और उसके बाद करेंगे इसका वाटर रेजिस्टेंट टेस्ट, मैं इसको पानी में डालूंगा और फिर चला के भी देखूंगा, तो बने रहिएगा आप। तो आप इसका साउंड एंजॉय कीजिए। अदले बदले के लिए आवे तेरी करके कारा कर विच है तो विचार में कपड़े रिपीट नहीं करता हाँ जड़े एक बार पाल तेरे यार ने अदले बदले के लिए आवे तेरी करके कारा कर विच है तो विचार में
लोगों ने चलाए दोनों पंजाबी थे और ये चेक करने के लिए कि उनकी बेस कितनी अच्छी आती है, तो दोनों ही गानों में ठीक ठाक आवाज़ है 3 वॉट स्पीकर के मुकाबले। और अगर हम किसी के कंपैरिजन करेंगे तो ये ठीक नहीं हुआ स्पीकर के लिए, क्योंकि स्पीकर भी छोटा है और सॉरी स्पीकर का जो वॉट है वो छोटा है, स्पीकर का साइज़ बड़ा है। तो अब इसके बाद कर लेते हैं इसका वाटरप्रूफ टेस्ट, तो देखते हैं एक बार। कोई दूसरा स्पीकर होता तो शायद ख़राब हो जाता, लेकिन ये वाटरप्रूफ है और वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो ये अब तक चल रहा है और शॉक प्रूफ भी है। गिर भी जाता है, देखो एक बार और गिराता हूँ वैसे। इस मामले में ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है और बाकी साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन जो इसका प्राइस आता है वो कुछ आता है 1200 रुपये में। तो आप अगर ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पानी वगैरह आ सकता है या आपके हाथ से फिसल सकता है तो इस स्पीकर को ज़रूर लेना। और बाकी अगर आपको बेस पसंद है तो P10 Wash एक स्पीकर है जिसकी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा स्पीकर है। या इसकी साइड में मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप ये वाले जो वीडियो देख रहे हो ये P10 Wash का है। और इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, डब्बा खोल देना।